हेलो नमस्ते सत्यकार राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सभी? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था कि आप लोगों की डिमांड पे मैं एक वैम्पायर लव स्टोरी लेके आई हूँ। एंड हाँ, ये रियलिटी बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है एंड ये आप लोग को ज़्यादा डराएगी नहीं, बल्कि इसमें आपको रोमांस भी भर भर के देखने को मिलेगा। तो ठीक है यार, बिना टाइम में इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था कि हमारी मिशा एकदम पागल हो जाती है। वो जिया का रुमाल लेके आती है जिस पर उसका ब्लड लगा हुआ था, वो रुमाल को लिख कर दिया और वो जिया के खून के लिए अब पूरी तरह से पागल हो रही थी। मिशा तड़प रही थी जिया के खून के लिए। जिया का खून में कुछ तो खास था जो मिशा उसे चख के एकदम पागल हो रही थी। उसे बस जिया का खून चाहिए था, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो किचन में जाती है जहाँ बाल्टी भरकर खून रखा हुआ था। मिशा वो पूरी बाल्टी मुँह से लगाती है और सारा खून पीने लगती है। आधा खून तो नीचे भी गिर जाता है। इतना सारा खून पीने के बाद में मिशा का कुछ नहीं बनता। मिशा का पूरा फेस पे खून था, उसके कपड़ों पे भी खून था। मिशा अपने फेस से उस खून को रिमूव कर दिया, कहते ये मुझे ताकत नहीं दे रहा, इससे मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे ताकत चाहिए, मुझे इंसानी खून चाहिए, मुझे मुझे उस जिया का खून चाहिए, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे मुझे जिया का ब्लड चाहिए, मुझे सिया का ब्लड चाहिए, मुझे उसका ब्लड चाहिए, मुझे उसका ब्लड चाहिए। और मिशा चिल्लाने लगती है। मिशा की आँखें एकदम रेड रेड हो गई थी, पूरी डरावनी, और उसके दांत वैम्पायर वाले जो बाहर निकल आए थे। मिशा घर से बाहर जाने लगती है और तभी तभी घर के अंदर कोई आ जाता है। मिशा तुरंत जो पीछे टर्न होती है और ये कोई और नहीं, वही जंगल वाला आदमी था। वो मिशा को बोलता है, मिशा जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। मिशा बोलती नो आई कांट, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, हट जाओ मेरे सामने से। मिशा उस आदमी को पुश करती है, वो आदमी बहुत ज़ोर से पीछे दीवार में जाके लगता है और नीचे ज़मीन पे ठा करके गिर जाता है। मिशा फिर से दरवाजे से बाहर जाने लगती है। वो दरवाजे से बाहर दौड़ ही आई थी कि तभी उसके सामने से उड़ता हुआ एक और आदमी आ जाता है और वो मिशा को बहुत ज़ोर से पंच मारता है, जिससे मिशा वापस घर के अंदर आ जाती है। मिशा उठती है और फिर से जाने लगती है। तभी वो आदमी जो घर के अंदर पहले ही पड़ा था, वो तुरंत से मिशा को पीछे से पकड़ लेता है और जो जिसने उसे अंदर थ्रो किया था वो भी आ जाता है, वो भी मिशा को पकड़ लेता है। ये लोग मिशा को एक कुर्सी पर बांध देते हैं। मिशा तड़प रही थी, खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मैं बहुत वीक हो रही हूँ, मुझे ब्लड चाहिए, मुझे इंसानी खून चाहिए, मुझे बस उस जिया का खून चाहिए। जिस पे वो आदमी मिशा का फेस को होल्ड करता, मिशा मिशा जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, मिशा होश में आओ, मिशा अपने आप पे काबू पाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, तुम इंसानी खून नहीं पी सकती। मिशा बोलती हम वैम्पायर्स हैं, हमारा जन्म इंसानी खून पीने के लिए किया जाता है, छोड़ो मुझे। जिस पर कहते हैं मिशा मिशा हमारा काम जानवरों के खून से भी चल रहा है, तो इंसानों की बलि क्यों देना? मिशा जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, मिशा मिशा मैं तुम्हें लास्ट टाइम वॉर्न कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मिशा बोलती छोड़ो मुझे। मिशा अपने दांत दिखाने लगती है और उस इंसान पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ पे एक और आदमी आता है जिसके हाथ में एक बाल्टी, मतलब बाल्टी नुमा ही कुछ था, पर वो बाल्टी नहीं थी, कोई बॉक्स टाइप था। वो उसे खोलता और उसमें कुछ खून होता और वो मिशा को पिलाने लगता। वो खून पीते ही मिशा थोड़ी शांत हो जाती है, उसे थोड़ा सुकून आ जाता है और मिशा बोलती मैं और कंट्रोल नहीं कर पा रही, मुझे यहाँ से जाना होगा, खोलो मुझे, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसने मिशा को ब्लड पिलाया था वो तुरंत ही मिशा का फेस होल्ड करता है। तो मिशा मिशा लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो। मिशा उसकी आंखों में देखते और वो इंसान अपनी आंखों की मदद से मिशा को शांत कराने लगता है। मिशा थोड़ी ही देर में शांत हो जाती है। फिर वो खुद को देखते हैं जो रस्तियों में खुद को उसने झगड़ा हुआ देखा था। वो एकदम घबरा जाती है, खोलो मुझे। जिस पे वो इंसान मिशा को बोलता, मिशा तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्या तुम उनकी तरह राक्षस बनना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि इंसान हमसे नफरत करे? क्या उस प्रजाति में तुम शामिल होना चाहती हो जिनकी वजह से इंसान हमसे नफरत करते हैं? बोलो मिशा, बोलो, क्या तुम हमारा ये ग्रुप और हमारा ये परिवार छोड़ना चाहती हो? शब्द नहीं,
मुझे राक्षस नहीं बनना, मुझे दरिंदा नहीं बनना, लेकिन मुझे बस उस लड़की का खून चाहिए, बस एक लड़की। एक लड़की के खून से कुछ नहीं होगा, एक लड़की की जान चली भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। इस वह इसके अलावा मैं किसी इंसान की जान नहीं लूँगी, बस उस एक लड़की का खून, जिस पे वो इंसान मिशा को बोलता है, मिशा एक बार तुम इंसान के खून की लत लग गई ना तो तुम्हें उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। भूल गई तुमने इस लत की वजह से कितने लोगों की जानें ली हैं? क्या तुम फिर से वही सब करना चाहती हो? बोलो, क्या तुम फिर से दरिंदा बनना चाहती हो, खून पीने वाला जो इंसानों को सिर्फ अपने स्वाद के लिए मार देता है? बोलो मिशा, बोलो, और कितने लोगों की बलि लेना चाहती हो तुम? जिस पे मिशा एकदम आंखें बंद करती है, वो याद करती है कि उसने कुछ सदी पहले कैसे लोगों को बुरी तरह से मारा था, उनका खून पिया था, उनकी जान ली थी। मिशा को वो सब याद आने लगता है। मिशा बोलती नहीं 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 नहीं, मैं खून पीने वाली दरिंदा नहीं हूँ, मैं उन दरिंदों में से नहीं हूँ, नहीं मुझे खून नहीं पीना, मुझे इंसान का खून नहीं पीना, मुझे नहीं वो राक्षस बनना। इस पे वो आदमी मिशा को बताया, मिशा बस बहुत हो गया, तुम अब स्वीडन में नहीं रह सकती, तुम हमारे साथ वापस चल रही हो। मिशा बोलती नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। जिस पे वो इंसान कहता है, मिशा तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी, अगर तुमने किसी भी इंसान को हर्ट किया सिर्फ खून के लिए, सुना तुमने, अगर तुमने किसी भी इंसान की जान ली ना तो तुम्हें हमारी बरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है ना हमारी बरादरी से बाहर निकालने का मतलब क्या होता है मिशा, हाँ ये भूल गए तुम? जिस पे मिशा एकदम से कहती नहीं, मुझे सब याद है। मिशा इस इंसान से थोड़ा डर रही थी, शायद यही इनका सरदार था जो सबको लीड किया करता था। मिशा बोलती सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। जिस पे वो इंसान मिशा को खोल देता है, कहता है मिशा अगर फिर से तुमने अपनी हदें पार की तो तुम हमें मजबूर कर दोगी हमारे परिवार से तुम्हें बाहर निकालने पे। इतना बोल के वो तीनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। ओह माय गॉड, क्या सही टाइमिंग थी ना यार इनकी, अगर ये लोग नहीं आते तो मिशा तो पक्का जिया को मार ही डालती। वेल यहाँ दूसरी तरफ जिया वो इस टाइम अपने हॉस्टल में थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी जिया को कॉल आ जाता है। जिया एक डिस्टेंट फैमिली से बिलोंग करती थी और आज उसके परिवार वाले कुछ इवेंट कर रहे थे जो वो जिया को वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, पर नेटवर्क काफ़ी इशू कर रहा था शायद मौसम के कारण। जिया कहती हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जिया बात करते करते मोबाइल लेके बाहर चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ मिशा वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करते करते नहीं मिशा नहीं, तुम फिर से राक्षस नहीं बन सकती, नो मिशा नो, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ मिशा, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। मिशा खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और जो खून उसने सरदार ने पिलाया था ना उससे उसे काफ़ी सुकून मिला था और काफ़ी एनर्जी भी उसमें आ गई थी। मिशा खुद को देख रही थी और अब उसमें काफ़ी एनर्जी सी फील हो रही थी। तभी मिशा वापस किचन में जाती है और जो नीचे सारा खून वगैरह उसने बिखेरा था वो सब साफ करती है। उसके बाद मिशा की नज़र फिर उस रुमाल पे जाती है। मिशा जैसे उस रुमाल को अपने नाक के पास लेके आती है, ओह गॉड, जिया का खून, और फिर से मिशा के दांत बाहर आने लगते हैं। मिशा की आंखें लाल लाल होने लगती है। मिशा इतने टाइम से जो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिया का खून सूंघते ही वो सब भुला देती है और बस उस रुमाल को अपने नाक से लगाते हुए तोड़ने लगती है। मिशा की स्पीड बहुत तेज़ थी, वो कुछ ही मिनट में जिया के हॉस्टल के बाहर पहुंचाती है। तभी वो जिया को देखती है, जिया वीडियो कॉल पे थी, कहती हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो माँ माँ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जिया हेलो हेलो करते हुए वापस हॉस्टल के अंदर जाने लगती है। वो अपने हॉस्टल के दरवाजे पर ही थी, अंदर जाने से पहले वो एकदम रुकती है और इधर उधर देखती है। ना जाने क्यों जिया को लगा था कि कोई है जो उसे घूर रहा है। जिया थोड़ा साइड आते कहती हेलो, कौन है वहाँ पे, कौन है वहाँ पे? मैंने बोला सामने आओ मेरे, वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। तभी एकदम से जिया के पीछे से कोई गुजरता है। जिया एकदम डर जाती है, कहती कौन है वहाँ पे,
कौन है वहाँ पे? तभी एकदम से जिया की जो फ्रेंड होती है यूनिवर्सिटी वाली वो आ जाती है। जिया जस्ट लुक एट योर फेस, तुम इतने में ही डर गई। जिया बोलती, आर यू स्टूपिड, हाँ और तुम यहाँ कर क्या रही हो? तो बोलती, अरे यार जिया बोर हो रही थी, सोचा बाहर चलो, चलना मेरे साथ। जिया बोलती, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। वो बोलते, कम ऑन जिया, एक ही दिन में तू डॉक्टर नहीं बन जाएगी, चलना। वो बहुत इंसिस्ट करती है तो जिया मान जाती है। वो लड़की थोड़ी रिच थी, उसके पास कार भी थी। वो जिया को अपने साथ कार में बिठाती है और कार ड्राइव करती है। यहाँ हमेशा जो है वो ज़ोर से एक खम्भे में अपना हाथ मारते हैं जिससे खम्भा ही टेढ़ा हो जाता है। और उसके बाद मिशा उस कार के पीछे दौड़ने लगती है। जिया की जो फ्रेंड होती है वो साइड मिरर से देखती है और एकदम से कार रोकती है। जिया बोलती है, क्या हुआ? उसकी फ्रेंड ने एक सेकंड बस। वो कार से नीचे उतरती है और पीछे की तरफ देखने लगती है। तभी जिया भी नीचे उतरती है, कहती, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही है तू? तो कहती, कुछ कुछ नहीं, मुझे लगा शायद मैंने किसी को कार के पीछे भागते हुए देखा। जिस पर जिया बोलती, पर यहाँ तो कोई नहीं है। वो कहती, हाँ लगता है, चल चल कार में बैठ। और फिर ये लोग कार में बैठ जाते हैं। जिया की फ्रेंड उसे एक मॉल में लेके आती है जहाँ वो बहुत सी शॉपिंग करती है, पर जिया के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए वो कुछ ले नहीं रही थी। जिया की फ्रेंड उसे भी कुछ कपड़े दिलाती है, जिया मना करती है पर उसकी फ्रेंड बहुत इंसिस्ट करती है और एक ड्रेस उसे देती है। कहती, जाना चेंज कर क्या? जिया बोलती, पर कहती, अरे जाना यार चेंज कर क्या? जिया बोलती, ठीक है। जिया वो ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। वो ट्रायल रूम में थी और उसने अपनी शर्ट को ऐसे होल्ड किया हुआ था। जिया जैसे अपनी शर्ट रिमूव करती है तभी मिशा ट्रायल रूम के अंदर आ जाती है। जिया बोलती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। पर मिशा एकदम से जिया के गर्दन में हाथ डाल के उसे दिमाग से लगाती है। जिया बोलती, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो छोड़ो मुझे। और मिशा जिया के गर्दन में हाथ डालते हुए उसके नेक के करीब आती है और स्मेल करती है। ओह गॉड, जिया के खून की खुशबू मिशा को पागल कर रही थी। मिशा जिया के नेक पे थोड़ा सा लिख करती है और जिया इतने ज़ोर से मिशा को पुश करती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या कर रही हो तुम जाओ यहाँ से। जिया चिल्लाने लग गया। मिशा जिया के मुंह पे हाथ रख के फिर से उसके करीब आती है और जिया कहते, क्या क्या कर रही हो तुम? मिशा जिया के बहुत पास आ गई थी, उसके नेक पे वो अपने दांत रखती है और इससे पहले वो बाइट करे बाहर से जिया की फ्रेंड नोक करने लगती है। जिया जिया तू ठीक तो है, तू चिल्ला क्यों रही है? जिया आर यू ओके? जिया बोलती, छोड़ो मुझे। मिशा बोलती, शीश, अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। जिया थोड़ा डरती है और कहती, कुछ नहीं, मैं बाहर आ रही हूँ। जिया कहती, तुम जाओ यहाँ से। मिशा जिया को देखती है, जिया की शर्ट जिया के हाथ में थी और जिया ने मतलब जस्ट बड़ा पहनी हुई थी। मिशा एक नज़र ऊपर से लेके नीचे तक जिया को देखती है और उसके बाद जिया दूसरी तरफ मुंह करके अपनी शर्ट पहनने लगती है। पर जैसे वो शर्ट पहन के पीछे टर्न होती है वहाँ मिशा नहीं थी। जिया तुरंत ट्रायल रूम से बाहर आती है और इधर उधर देखने लगती है। उसकी फ्रेंड बाहर ही थी, कहती, क्या हुआ? जिया बोलती, क्या तूने किसी को बाहर जाते हुए देखा? कहती, अरे पागल है क्या, तू ही बाहर आई है, और कौन बाहर आएगा? जिया बोलती, हाँ। उसकी फ्रेंड बोलती, ओह वाओ, जस्ट लुक एट यू यार, तू कितनी अच्छी लग रही है इसमें, चल चल, हाँ हमने ये ले लिया, चल अब। जिया बोलती, हाँ। पर जिया इधर उधर देख रही थी, शायद उसकी नज़रें मिशा को ही ढूंढ रही थी। जिया की फ्रेंड बोलती, क्या हुआ जिया, क्या देख रही है तू? जिया बोलती, कुछ नहीं। उसके बाद ये लोग वापस हॉस्टल की तरफ आ जाते हैं। जिया की फ्रेंड उसे हॉस्टल के बाहर ड्रॉप करती है। जिया के हाथ में शॉपिंग बैग था जो उसकी फ्रेंड ने उसे शॉपिंग कराई थी, वही सब था। जिया हॉस्टल के अंदर चली जाती है और आंखें बंद करके लेट जाती है। उसे एकदम से याद आता है कि मिशा ने उसके नेक पे कुछ तो किया था। जिया उठती है और मिरर में देखने लगती है, उसके नेक पे कुछ भी नहीं था। जिया बोलती, लड़की पागल है क्या, करना क्या चाहती थी मेरे साथ? क्या वो मुझे पसंद करने लगी है? पर वो मुझे पसंद क्यों करेगी? अगर पसंद नहीं करती तो मैं इतने पास क्यों आ रही थी? यहाँ जिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ मिशा वो फॉरेस्ट में पागलों की तरह भाग रही थी और वो ताज़ा खून पीना चाहती थी, शिकार करना चाहती थी ताकि वो खुद पे कंट्रोल कर पाए। यहाँ जब मिशा जंगल में थी ना, तभी वो दो शराबी लोगों को देखते जो जंगल में ही कैंप कर रहे हुए थे और बहुत ज़्यादा नशे में थे।
مشا ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتے ارے یار وہ دیکھ لڑکی، اور اس میں سے ایک شرابی انسان مشا کے قریب آنے لگتا ہے۔ مشا پہلے ہی بہت غصے میں تھی، اپنا کنٹرول کھو رہی تھی۔ مشا ایک دم سے اپنے دانت دکھاتی ہے اور آنکھیں اپنی لال لال دکھاتی ہے، تو وہ لوگ ڈر کے بھاگنے لگتے ہیں۔ مشا ان کے پیچھے بھاگتی ہے اور اس میں سے ایک آدمی کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن جیسے اس کے نیک کے قریب جاتی ہے بائٹ کرنے کے لیے نا، تو اسے کچھ فیل ہی نہیں ہوتا، اس کا من ہی نہیں کرتا اس انسان کا خون پینے کا۔ وہ تڑپ نہیں تھی خون کی، جو اسے جیا کے خون پینے کی ہو رہی تھی۔ مشا ترنت اسے پش کر کے پھینک دیتی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ مشا ایک ہرن کو دیکھتی ہے، سوچتی ہے اس کا شکار کروں، پر اس کا بھی خون پینے کی تڑپ اس میں آئے نہیں رہی تھی، اس کا من ہی نہیں کر رہا تھا۔ مشا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے خون سے مطلب ہونا چاہیے نا، پر کیوں اس کا من نہیں کر رہا کسی اور کا خون پینے کا، اسے صرف جیا کا خون پینے کی ہی تڑپ کیوں اٹھ رہی ہے۔ یہاں مشا واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی روم میں کوئی آتا ہے۔ مشا بتی سوری میں نے اب کچھ نہیں کیا۔ وہ آدمی مشا کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے دیکھو مشا میں تمہارے ساتھ کافی برسوں سے ہوں، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، تمہارا یہاں رہنا اب ٹھیک نہیں ہے، تمہیں واپس چلنا ہوگا۔ مشا بولتی آئی کین کنٹرول مائی سیلف، اتنے ٹائم سے کنٹرول کیا ہے نا میں نے، اب بھی کر لوں گی۔ جس پہ کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے، ہمیں دکھ نہیں رہا تم کیا کر رہی ہو، تم نے اس لڑکی کو آلموسٹ بائٹ کر ہی لیا تھا۔ مشا بولتی میں بہت پاس تھی اس کی، بائٹ کر سکتی تھی نا، پر میں نے نہیں کیا، کنٹرول کیا نا میں نے خود پہ۔ جس پہ وہ انسان کہتے ہیں کب تک کنٹرول کرو گی مشا تم۔ مشا بولتی پلیز جسٹ لیو می الون۔ اس پہ کہتا ہے اوہ تو اب تم اپنے پریوار والوں سے ایسے بات کرو گی۔ مشا بولتی کون سے تم لوگ میرے سگے پریوار والے ہو۔ جس پہ کہتا ہے مشا ڈونٹ کراس یور لمٹس، ہم سب ایک پریوار ہی ہیں۔ مشا بولتی کیسا پریوار، ہاں کیسا پریوار، میرا تم لوگوں سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ جس پہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات تم ہمارے سردار کو بولنا۔ مشا بولتی جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ جس پہ کہتا ہے مشا اگر تم نے کسی بھی انسان کا خون پیا نا تو تمہیں نکال دیا جائے گا پریوار سے، تم جانتی ہو پریوار سے نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مشا بہت ہی اچھے سے جانتی ہوں، یہی تو کرنا ہوتا ہے تم لوگوں کو۔ جس پہ کہتے ہیں مشا انف، بہت ہو گیا تمہارا، تم کچھ زیادہ ہی بدتمیزی پہ آ گئی ہو، لگتا ہے اب سردار کو بلانا ہی پڑے گا۔ اتنا بول کے وہ اپنی گردن میں انگڑائی لیتے ہیں۔ مشا بہت ہی مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، سردار سے میری میٹنگ پہلے ہی ہو گئی ہے۔ جس پہ کہتے ہیں واٹ اور تم ابھی تک زندہ ہو؟ مشا بولتی ہاں زندہ ہوں، کیونکہ سردار مجھ پہ بہت مہربان ہے، جانتے ہو نا سردار اور میرا کیا ناتا ہے۔ جس پہ کہتے ہیں سردار کی وجہ سے تم اتنی اچھلتی ہو، ایک بار سردار نے تم سے اپنا کرم ہٹا لیا نا تو اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا یہ تم بھی جانتی ہو۔ مشا بولتی ہے تم ہنٹر ہو نا، تو جا کے ان ومپائرز کا شکار کرو جو انسانوں کا خون پیتے ہیں، میں نے ابھی تک کسی انسان کا خون نہیں پیا، اور ہاں دوبارہ یہاں مت آنا۔ اور مشا اسے گھورنے لگتی ہے اور اپنے دانت دکھانے لگتی ہے، جس پہ وہ آدمی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ مشا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے، مشا کو لگتا ہے شاید یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ مشا باہر جاتی ہے اور کچھ سوچ رہی تھی، مشا اب انسانوں کی طرح واک کر رہی تھی کیونکہ وہ اس ٹائم مین روڈ پہ تھی، کسی کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ مشا اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، ہڈی کو اپنے فیس پہ لیے واک کر رہی تھی، تبھی اس کے سامنے ایک کار آ کے رکتی ہے اور اسے لفٹ کا بولتے ہیں۔ مشا منع کرتی ہے پر کار میں سے ایک لڑکا نیچے اترتا ہے، انسسٹ کرتے ہوئے مشا کا ہاتھ پکڑ کے کار میں بٹھانے لگتا ہے۔ مشا اس کا کولر پکڑ کے اسے دماغ سے لگاتی ہے، کہتی نو مینس نو، اور اتنا بول کے مشا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مشا چاہتی ہے تو اسے ہٹ کر سکتی تھی، پر اب وہ کسی انسان کو ہٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا سارے ومپائرز برے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، شاید مشا انہی میں سے تھی، یا پھر اچھا بننے کی وہ صرف دکھاوا کر رہی تھی تاکہ اسے اس کے پریوار سے نکال نہ دیا جائے۔ مشا واک کرتے کرتے نہ جانے کیوں پھر سے جیا کے ہاسٹل کے باہر آ پہنچی تھی۔ شاید جیا کا خون، اس کے خون کی وہ اسمیل، اس کے خون پینے کی وہ تڑپ مشا کو یہاں کھینچ لائی تھی۔ مشا ایک لمبی جھمپ کرتی ہے اور سیدھا ونڈو میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جیا کو دیکھتی ہے، جیا سوئی ہوئی تھی اور اس کے فیس پہ بلینکٹ نہیں تھا۔ مشا وہاں آتی اور جیا کو دیکھنے لگتی ہے، مشا کی نظر جیا کے نیک پہ جاتی ہے۔ مشا جیسے جیا کے نیک کے قریب جانے لگتی ہے تبھی جیا کروٹ لیتی ہے اور مشا ترنت ہی چھپ جاتی ہے۔ جیا اٹھتی اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، وہ اپنے نیک پہ ٹچ کرتی ہے، کہتی یہ
ये क्या है? मुझे ऐसे क्यों फील होता है कि कोई हर टाइम मुझे देख रहा है? क्या क्या कोई कोई सच में है यहाँ पे? जिया इतना बोल के उठती है और अपनी विंडो के बाहर झांकने लगती है, पर कोई भी नहीं था। जिया वॉशरूम में चली जाती है और तभी मीशा भी यहाँ से चली जाती है। मीशा अपने घर जाके कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते कब टाइम बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह हो गई थी और यहाँ मीशा ने डिसाइड किया था कि वो ये शहर छोड़ के चली जाएगी। मीशा अपना कुछ सामान पैक करके अपना बैग अपने पीठ पर लटकाए घर से बाहर निकलती है। मीशा जब इंसानों के बीच होती है तो इंसानों की तरह ही प्रिटेंड करती है। वो स्लो स्लो चल रही थी इंसानों की तरह। चलते चलते वो भी थोड़ी ही दूर आई थी कि तभी उसकी नज़र जिया पे पड़ जाती है। जिया बस स्टॉप पे खड़ी थी बस लेने के लिए। मीशा की नज़र जैसे ही जिया पे जाती है, मीशा के कदम खुद ही जिया के करीब जाने लगते हैं। मीशा वो बैग लिए बस स्टैंड पे चली जाती है, जिया के बहुत पीछे जाके खड़ी हो जाती है। तभी जिया एकदम टर्न होती है और अपने करीब मीशा को देखते हैं तो घबरा के वो साइड होने लगती है, पर उसका पाँव स्लिप होता है। इससे पहले जिया नीचे गिरे, मीशा जिया को होल्ड कर लेती है और इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ जिया नोट करती है मीशा की आंखों का कलर जो पहले उसने देखा था अब वो नहीं है। जिया बोलते, मीशा क्या तुमने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं? तभी एकदम से मीशा जिया को ऊपर करती है और दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। मीशा खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर जिया जब भी उसके आसपास होती मीशा का खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। तभी बस आ जाती है और जिया मीशा पे ना ध्यान देते हुए बस पे चढ़ जाती है। जिया भी बस पे ही चढ़ जाती है। मीशा के बिल्कुल पीछे जो है वो एक आदमी खड़ा था और मीशा के आगे जिया खड़ी थी। मीशा जिया के इतने पास थी, उसके दांत यूं बाहर आने लगे थे। जिया के खून की स्मेल उसे दीवाना कर रही थी, उसे पागल बना रही थी। मीशा तुरंत अपने मुंह पे हाथ रख के साइड हो जाती है और जो मीशा के पीछे लड़का था वो जिया के पीछे आ जाता है। वो जिया को देखने लगता है। जिया ने अपने फ्रेंड की दिलाई हुई ड्रेस ही पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी, और वो लड़का जो है वो जिया को टच कर रहा था। पहली बार जिया को लगता है गलती से इसलिए जिया छोड़ देती है, पर वो दूसरी बार भी टच करता है। जिया उसे मना करती है पर वो बाज नहीं आता। वो तीसरी बार जब जिया को टच करने लगता है ना तो मीशा उस आदमी का हाथ पकड़ती है और गुस्से से उसका हाथ यूं उसकी कमर के पीछे करती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जिस पे मीशा उसका सर जो है वो ज़ोर से सीट में मारती है और वो नीचे गिर जाता है। सब देखते हैं कि क्या हो गया। और यहाँ जिया बोलती, क्या 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 किया तुमने? मीशा बोलती, वो परेशान कर रहा था तुम्हें और ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। तभी बस में रुक जाती है और यहाँ पे किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। हंगामा समझ जाता है। जिया तुरंत मीशा का हाथ पकड़ती है, उसे बस से नीचे उतारती, कहती, देख क्या रही हो, भागो, पुलिस को कॉल कर दिया है उन्होंने, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगी, भागो, मुझे पुलिस केस नहीं चाहिए। यहाँ जिया मीशा का हाथ पकड़ के भागने लगती है। मीशा बस जिया को ही देख रही थी। जिस तरह जिया ने मीशा का हाथ पकड़ा हुआ था, मीशा जिया के हाथ को देखती है और ये लोग चलते चलते फॉरेस्ट की तरफ आ जाते हैं। मीशा जिया को देख रही थी, जिया और मीशा अभी भी भाग रहे थे। तभी एकदम से मीशा रुक जाती है, कहती, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जिया एकदम से मीशा को देखती है, कहती, हाँ? मीशा बोलती, कहाँ लाई हो तुम मुझे? जिया देखती, कहती, शिट, हम तो जंगल में आ गए, अब बाहर कैसे जाएंगे? मीशा बोलती, तुम लाई हो ना मुझे यहाँ, तुम्हें तो बाहर का रास्ता पता ही होगा। जिया बोलती, नहीं, मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे मुझे रास्ते नहीं आते। मीशा आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जिया इधर उधर घूमने लगती है, अरे यार बाहर का रास्ता कहाँ होगा, बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ मीशा जिया की हेल्प कर सकती थी पर वो हेल्प ना करके आराम से बैठी थी और बस जिया को देख रही थी। तभी यहाँ जिया जो है वो भागते भागते टकरा जाती है और उसका सर एक पेड़ में लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। यहाँ जिया का जैसे खून निकलता है ना, एकदम से मीशा की आंखें लाल हो जाती है और उसके वम्पायर वाले दांत भी बाहर आ गए थे। मीशा तुरंत बहुत तेज़ भागती है और एक ही सेकंड के अंदर वो जिया के पास थी। जिया यूँ नीचे लेटी हुई थी और उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी, जिया की आँखें बंद हो चुकी थी। मीशा यूँ जिया के माथे को छूती है, जिया का ब्लड मीशा के फिंगर पे था। मीशा थोड़ा सा लीक करती है और एकदम से उसके दांत पूरे बाहर आ जाते हैं। यहाँ मीशा जिया के फेस के करीब आती है, उसके
ब्लड को लिक करती है और वो जैसे ही बाइट करने लगती है तभी वहाँ पे एक और वम्पायर आ जाता है जो मिशा को दूर उठा के फेंकता है और खुद वो जिया को बाइट करने की कोशिश करता है, पर तभी मिशा उसे उठा के फेंकती है और यहाँ इन दोनों वम्पायर्स के बीच में लड़ाई होने लगती है। मिशा उस जंगल को अच्छे से देखती है और उसे याद आता है कि यहाँ तो ऐसे राक्षस रहते हैं और इसका मतलब एक नहीं यहाँ पे बहुत सारे थे। मिशा उस एक से लड़ रही थी, उसके अंदर बहुत पावर थी और जो वम्पायर इंसानों का खून पीते हैं ना उनमें पावर कुछ ज़्यादा ही होती है और उसमें इतनी पावर थी कि वो एक सेकंड में मिशा को उठा के कभी एक पेड़ पे फेंक रहा था तो कभी दूसरे पेड़ पे। यहाँ मिशा उठती है और कहती है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और फिर मिशा उससे फाइट लेने लगती है। इन दोनों के बीच में भयंकर वाली फाइट होती है, ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार रहे थे लेकिन दोनों को ही चोट बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि तभी वहां पे एक और वम्पायर आ जाता है और वो भी मिशा पर ही अटैक करता है। ये दोनों वम्पायर मिलके मिशा को मार रहे थे, मिशा वीक पड़ रही थी और तभी मिशा मन में किसी का नाम लेती है और जैसे ही वो नाम लेती है ना एक मिनट के अंदर वहां पे जो है वो 8 से 10 वम्पायर्स आ जाते हैं और वो 10 के 10 वम्पायर मिलके मिशा के साथ मिलके उन दोनों वम्पायर्स को मार देते हैं। और यहाँ पे मिशा का सरदार भी आया था, इनके परिवार का सरदार, और वो कहते हैं मिशा तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें पता है ना यहाँ पे इन लोगों का राज चलता है यहाँ। और तभी मिशा के परिवार में से एक लड़का था और वो जिया को देखने लगता है। जिया के खून की स्मेल उसे भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, वो जिया के करीब जाने लगता है। तभी मिशा उसको बैग से पकड़ के दूर फेंकती है और कहती छूना भी मत, करीब भी मत आना इसके। और तभी उनका जो सरदार था वो उस आदमी को शांत करता, कहता है मेरे आँखों में देखो, और 2 मिनट में वो उसे शांत कर देता है और फिर कहता है मिशा इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ, इसका खून कुछ तो अलग है, हम सब पे जुनून सवार हो रहा है इसके खून का, इसे यहाँ से लेके जाओ। मिशा तुरंत जिया को अपनी बाहों में उठा दिया और बहुत तेज भागते हुए 2 मिनट के अंदर ही वो फरेज से काफ़ी दूर लेके चली जाती है मिशा को, मिशा जिया को लेके चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ही जिया की आँख खुलती है, जिया एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि वो खुद के रूम में थी। जिया कहती मैं यहाँ कैसे पहुँची, मैं तो बस से भागी थी और हम फरेस्ट में थे, मिशा भी तो थी मेरे साथ, मिशा कहाँ गई। जिया हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं, फिर उसके सर पे थोड़ा सा दर्द होता है, वो अपने माथे को टच करती है, वहाँ बैंडेज थी, वो खुद में को मिरर में देखती है, कहती है ये चोट कैसे आई मुझे और ये बैंडेज। और फिर जिया को याद आता है कि भागते वो पेड़ से टकरा गई थी, जिया कहती आउच शिट 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 मैं तो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ। जिया तुरंत ही अपना कोट पहनती है और वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ती है। यहाँ मिशा भी जिया के पीछे पीछे ही थी, बहुत बहुत पास नहीं मतलब दूर दूर से वो देख रही थी। और तभी यहाँ मिशा को अचानक से उसके दिमाग में कुछ आवाज़ सुनाई देती है और मिशा तुरंत अपने घर चली जाती है। वहाँ पूरे 10 लोग थे जो शायद मिशा का ही वेट कर रहे थे। मिशा जैसे ही वहाँ पे आती है वो लड़का जिस पे मिशा ने अटैक किया था उसे दूर फेंका था वो मिशा को कॉलर पकड़ता कहता ए अपने परिवार वालों पे हाथ उठाया तूने, मिशा बोलती हमारे परिवार का एक रूल है हम इंसानों को खून नहीं पीते, तुम वही करने जा रहे थे, मैंने तुम्हें परिवार से बाहर निकालना चाहती तो वो करने देती पर मैं परिवार का हिस्सा बनाना चाहती हूँ तुम्हें रखना चाहती हूँ तभी बचाया तुम्हें। तभी सरदार बोलते हैं मिशा तुम वहाँ क्या करने गई थी। मिशा बोलती हम उन लोगों से डरने वाले नहीं हैं, हम ऐसे लोगों पे अटैक करते हैं, ऐसे वम्पायर्स की जान लेते हैं, आप क्या चाहते हो मैं डर के बैठूँ। जिस पर वो कहते हैं ठीक है पर वो इंसान वो वहाँ पे क्या कर रही थी। हाँ मिशा बोलती जिया, तो बोलते जिया ये वही लड़की है ना जिसके खून के पीछे तुम पागल हो रही थी। मिशा बोलती आपने भी वही चीज़ फील की जो मैंने फील की, आप कभी खुद पे कंट्रोल खो रहा था सरदार। जिस पर बोलते मिशा बिहेव, मिशा बोलती आई एम सॉरी मुझे नहीं पता उसके खून में क्या है मगर उसके खून की महक मुझे मदहोश कर देती है, अपना होश खोने लगती हूँ। जिस पर वहाँ भी बोलता है सरदार ये सही कह रही है उसके खून में कुछ तो बात थी। जिस पर कहते हैं मिशा आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी। मिशा चुप करके हाँ में बस सर हिलाती है। सरदार मिशा को बोलते हैं अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। मिशा बोलती जानती हूँ। जिसके बाद वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं।
मीशा एक सोफे पे बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है और कहती नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मीशा उठ के एकदम से परेशान होकर खड़ी हो जाती है और वहाँ दूसरी तरफ जिया वो यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी। मीशा ने डिसाइड किया था यहाँ से दूर जाने का, पर अब वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो यहाँ से दूर नहीं जाएगी। मीशा यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है, शायद वो जिया को देखना चाहती थी। मीशा जैसे ही क्लास में जाती है उसकी नज़र जिया पे जाती है। मीशा जिया के पास जाके बैठ जाती है और एक गहरी सांस लेती है। जिया की जो खुशबू थी ना वो मीशा के अंदर समा रही थी। मीशा का राक्षस बाहर ना आए इसीलिए मीशा खुद पे काफ़ी कंट्रोल करके बैठी थी। तभी जो इनके प्रोफेसर होते हैं ना वो इन्हें एक कैंप के बारे में बताते हैं और ये कैंप यहाँ से थोड़ा दूर होने वाला था और वो कहते हैं कि इस कैंप में सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जिस पे सारे बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं क्योंकि ये उनका पहला कैंप था, पर मीशा का नहीं। मीशा इन सबसे बोर हो चुकी थी। मीशा ये बात सुनते ही क्लास से बाहर जाने लगती है, जिस पे प्रोफेसर बोलते हैं मीशा यू गो टू योर सीट नाउ। मीशा बोलती मैं कैंप पर नहीं जाना चाहती इसलिए मैं कोई फॉर्म फिल नहीं करूँगी। प्रोफेसर बोलते तुम्हें क्या लगता है विदाउट कैंप पर जाके तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे? मीशा बोलते आई डोंट नीड पॉइंट्स। प्रोफेसर बोलते इनफ मीशा वापस जाके अपनी जगह पे बैठो। मीशा फिर से आके जिया के साथ बैठ जाती है। जिया मीशा को देखती है, मीशा भी एक नज़र जिया को देखती है। मीशा की नज़र जिया के माथे पर थी, उसके माथे पे देखते मीशा तुरंत नज़र चुरा लेती है। जिया बोलती है मीशा थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मीशा चुपचाप बैठी थी, जिया उससे बात कर रही थी। जिया बोलते तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जिया इतना बोल के मीशा की तरफ हाथ बढ़ा दिया, पर मीशा जिया को घूरते हुए क्लास को बीच में छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जिया बोलते इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? वाह मैंने तो इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया क्योंकि इसने मेरी हेल्प की थी, इसके एटीट्यूड तो खुद को समझती क्या है? तभी लेक्चर खत्म होता है, जिया बाहर आती है और जिया की नज़र मीशा पे जाती है। मीशा ने ब्लैक कलर के गोगल्स लगाए हुए थे। जिया की फ्रेंड बोलती है एटीट्यूड तो देखो इसका, गोगल्स लगा रखे जैसे अंधियों कुछ दिखाई ना देता उसे। जिया बोलती छोड़ मुझे इसके बारे में बात भी नहीं करनी। उसकी फ्रेंड बोलती बाय द वे तूने बताया नहीं तुझे चोट कैसे लगी, आजकल तुझे कुछ ज़्यादा चोट नहीं लग रही, कभी हाथ पे कभी सर पे? जिया बोलती छोड़ ना छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को इन दोनों की लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो भी इनकी लव स्टोरी प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुई पर बहुत जल्द हो जाएगी, डोंट वरी। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।